नमस्कार नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि पीएमसीएच एनएमसीएच समेत बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि पूरे दिन आज सुबह से पीएमसीएच में एक भी इमरजेंसी पेशेंट को नहीं देखा गया है, साथ ही साथ ओपीडी वार्ड भी ठप पड़ा हुआ है। राज्य के सभी जूनियर डॉक्टर ने एक सूत्र मांग पे स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर आज हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। वहीं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अनुसार 2017 के बाद स्टाइपेंड में रिविजन नहीं किया गया है, जबकि नियम के मुताबिक इसमें 3 साल बाद बढ़ोतरी करनी थी। अभी स्टाइपेंड प्रथम वर्ष में 50,000, दूसरे वर्ष में 55,000 और तीसरे वर्ष में 60,000 रुपए मिलते हैं। जूनियर डॉक्टर इसे बढ़ाकर 80,000, 85,000 और 90,000 की मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। हालांकि इस हड़ताल का प्रदेश के अन्य अस्पतालों पर असर नहीं दिखता नजर आ रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर पहले की तरह ही ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से पूरे बिहार में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल किया है। यह हड़ताल सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में ही देखने को मिल रहा है, बाकी 9 जिलों में 9 मेडिकल अस्पतालों में फिलहाल ये कुछ ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे नहीं हैं, साथ ही साथ पीएमसीएच और एनएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पे गए हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज में लगे जूनियर डॉक्टर फिलहाल कार्यरत हैं। खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।